वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। 29 सितंबर से सफलता बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप SSC CGL और CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये बैच 29 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। GS की कंप्लीट बैच आपको मिलेगी अन अकेडमी प्लस पे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप आगे ऑफर्स देख सकते हैं। 29 सितंबर से बैचेज स्टार्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप आस्क अ डाउट बाय अन अकेडमी, यहाँ जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ डाउट एंड सॉल्यूशन का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप वहाँ आस्क अ डाउट पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी डाउट है आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, उसे क्रॉप करके अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के कुछ ही घंटों के बाद आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा। जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। खास बात यह है कि एक लर्नर चाहे तो कितनी बार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये फीचर आप लोगों के लिए है, आप लोगों को इसका यूज़ करना चाहिए। सेप्टेम्बर ऑफर्स अभी एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। 6 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, SSC के लिए है ये, तो आपको 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। 1 ईयर का ले रहे हैं तो 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। SSC बैंक कॉम्बो के लिए है। अगर आप SSC और बैंक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 साल का, तो आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। और अगर आप 1 ईयर का ले रहे हैं तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। ये ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए। SSC कॉम्बैट, ये टेस्ट एवरी संडे को होता है, हर रविवार को होता है, 50 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 12 PM पे होता है ये टेस्ट। आप इस पे इनरोल करने के लिए मेरा इनवाइट कोड SAA10, आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 ईयर SSC प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रैंक 4 से 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप है। ये टेस्ट आप लोगों को हर संडे को ज़रूर देना चाहिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड SAA10, आप ये कोड यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हेलो हिमांशी जी, संदीप जी, जय हिंद। सभाना जी, हेलो हिमांशी जी। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, पूछा है। कोकोनट, मैंगो, चिलगोजा, वीट ग्रेन, नारियल, आम। बिल्कुल हिमांशी जी, आपको बहुत मिस किया। कैसी रही आपका टूर, कैसा रहा? शिवानी जी, हेलो। हेलो शिवराज जी, कृषु कुमार जी, नमस्ते। बिल्कुल, आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप आंसर कर सकते हैं। बताइए, पूछा है कि निम्न में से कौन सा फल नहीं है। बिल्कुल, सागर जी ने बोला है सी, स्वप्न जी ने बोला है ए, सबाना जी ने सी बोला है, अंकुश जी ने बी बोला है, अशोक जी हेलो। ओके, पूछा है फल नहीं है। ओके, ओके हिमांशी जी, बिल्कुल जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, शिवानी जी ने बोला है डी, मुकेश जी ने डी बोला है, हेलो नितेश जी। ओके, बिल्कुल आंसर क्या होगा, मोहित कुमार जी ने डी बोला है, शिवानी जी ने डी, मुकेश चौधरी जी ने डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, डी होगा, वीट ग्रेन। क्या होगा? वीट ग्रेन। हेलो PC सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, पूछा है। एनिलिन ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना, बताइए। जिंक की प्लेटिंग, पेंट करना, ग्रीस लगाना, एनिलिन। बताइए क्या होगा, बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं। ओके, शिवराज जी ने सेकंड का डी बोला है, कृषु कुमार जी ने सी बोला है, शिवानी जी ने ए बोला है, महाकाल जी ने बोला है एनिलिंग। ओके, अंकुश जी ने बी बोला है, सागर जी ने ए बोला है। बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर किया है ए, एनिलिन, एनिलिनन। ओके, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए पूछा है कि कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। बिल्कुल हिमांशी जी, ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है,
तो जब भी क्वेश्चन में नहीं आता है एक बार आप गौर कर लिया करिए ध्यान से। बिल्कुल, गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग सेशन को पहले तुरंत फटाफट लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके ओके, मोहित जी ने बी बोला है। ओके नितेश मीना जी, दिलीप जी ने डी बोला है, मुकेश जी ने बी बोला है, मनीष जी ने ए बोला है। क्या होगा? थैंक यू कृषु जी। ओके शिवानी जी, थैंक यू। बिल्कुल, पीसी सिंह जी ने बी बोला है। ओके, आंसर क्या होगा? पूछा है कि कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, पूछा है। क्या होगा? बिल्कुल डी होगा, घाघरा। क्या होगा? घाघरा होगा। बिल्कुल, घाघरा का उद्गम कहाँ से होता है? दक्षिणी तिब्बत के हिमालय से होता है और तिब्बत और नेपाल से होते हुए कहाँ आता है? ये लखीमपुर खीरी में। और फिर घाघरा का नाम क्या हो जाता है? शारदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर से है ना। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सबाना जी। जी नितेश जी, बट मेरी आदत है जी। ओके बिल्कुल ठीक है जी। डी होगा, घाघरा। ओके, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा नहीं है? मृदंगम, तबला, सहनाई, संतूर। कौन सा नहीं है पूछा है, सॉरी कौन सा तंत्री वाद्य है पूछा है। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सी है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा है। इजी है, बताइए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग सेशन को पहले फटाफट लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, सबाना जी ने डी बोला है। ओके, शिवराज सिंह जी ने फोर्थ का बी बोला है, सागर जी ने संतूर बोला है, पीसी सिंह जी ने डी बोला है, रवि जी ने संतूर बोला है। और कोई? बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है संतूर, बिल्कुल ठीक है। पूछा है कि तंत्री वाद्य कौन सी है, बिल्कुल ठीक है, संतूर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, इजी है। जल में, वायु में, कांच में, ग्लिसरीन में, किस में? ओके रविशंकर जी, अगर आप फर्स्ट क्लास है आपकी तो आप डेली क्लासेस कर सकते हैं, 3 PM पे क्लासेस होती हैं। इसके बाद आप लोगों की क्लास है 5 PM पे है। कहाँ पे है? एसएससी गुरु पे है। एसएससी गुरु पे करंट अफेयर्स वाली आपकी क्लासेस जो मॉर्निंग में होती हैं, आज वो शाम को 5 बजे है। तो इस क्लास के बाद आप लोग ये 5 बजे वाली क्लास एसएससी गुरु पे अटेंड कर सकते हैं। ओके ओके जी, रविशंकर जी ने ग्लास में बोला है, अंकुश जी ने फोर्थ का बी बोला है, सुनील जी ने कांच बोला है, सागर जी ने कांच बोला है, मोहित जी ने ए बोला है। ओके अंकुश जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? सी होगा, कांच में। बिल्कुल ग्लास होगा। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है कांच में। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव से हल्की होती है। सेकंड है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, अपनी अवस्था को आसानी से नहीं बदलती। क्या होगा? गुड आफ्टरनून पायल जी। ओके पंकज जी ने बी बोला है, मनीष जी ने सी बोला है, गोपीनाथ जी ने डी बोला है, पटेल जी ने बी बोला है, पायल जी ने बी बोला है, शिवराज सिंह राजपूत जी ने 6 का बी बोला है। गुड आफ्टरनून। ओके क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है एक्सपेंस मोर देन अ लिक्विड, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, दैट मीन्स बी। बिल्कुल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, किसका है? आप लोगों को बता देती हूँ, इसके बाद आपकी 5 PM पे क्लासेस SSC गुरु पे हैं और 9 PM पे आपकी क्लास कहाँ है? अनअकैडमी ऐप पे है। अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो फर्स्ट लिंक दिया है सौम्या ऑन अनअकैडमी, वो लिंक आप खोल के वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ डेली रात को 9 बजे मेरी क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, हर कोई कर सकता है। तो डेली 9 PM पे अनअकैडमी ऐप पे क्लासेस होती हैं। बिल्कुल महाकाल जी, ओके, क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, पटेल जी ने ए बोला है, बिल्कुल जिन लोगों ने आंसर दिया है ए, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। हेलो अनिकेत जी, ओके, क्या होगा जी? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? पार्लियामेंट, संसद का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? HL दत्तू, अरविंद मिश्रा, PN भगवती, अरुण कुमार मिश्र, बताइए। मॉर्निंग की क्लास में मैंने कराया है जी। हिमांशी जी, बिल्कुल ए होगा, ओके। महादेव जी ने बोला है ए, हिमांशी जी ने ए बोला है। हेलो अंशुल जी, 8th का बी बोला है। शिवराज सिंह जी ने, महादेव जी ने बी बोला है। अनिकेत सरोज जी ने सी बोला है, ओके। रविशंकर शर्मा जी ने अरुण कुमार मिश्रा बोला है, बिल्कुल ठीक है। हेलो भोला जी, बिल्कुल महाकाल जी, अरुण, हिमांशी जी, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? अरुण कुमार मिश्रा, मॉर्निंग की क्लास में कराया भी है मैंने। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन, कच्छ के रण में, थारू मरुभूमि, असम के जंगल, कहाँ पे होगा जंगली गधे पूछा है? बिल्कुल डी होगा, बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, ओके। शिवराज सिंह जी ने 9 का बी बोला है जी। जगबरन जी, बिल्कुल ओके। भोला जी ने 3 बोला है। क्वेश्चन क्या है? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल, जिन भी लोगों का आंसर है, बिल्कुल शिवराज जी, अब बी गुजरात, बिल्कुल महाकाल जी, हिमांशी जी, बिल्कुल ठीक है। शिवराज सिंह राजपूत जी ने 9th का बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। कक्ष के रण गुजरात, बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों का आंसर है, जंगली गधे कहाँ होते, बिल्कुल रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, डोडाबेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी, बहुत बार पूछा है, आप लोगों को पता भी होगा, बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप जितने भी लोग हैं आप लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर कर दीजिए, ओके। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, विकास जी ने डी बोला है, यस जी ने ए बोला है, PC सिंह जी ने ए बोला है, रविशंकर जी ने ए बोला है, नितेश जी ने और राकेश यादव जी ने ए बोला है, बिल्कुल ठीक है। हिमांशी जी ने ए बोला है, बिल्कुल। राजीव कुमार जी, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? अनाईमुडी, बिल्कुल ठीक है, ए होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से, एयर पॉल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से, ओजोन डिप्लीशन से, वेटलैंड कंजर्वेशन से, किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? बिल्कुल राहुल जी ने ए बोला है, अभय जी ने बी बोला है, यश चौहान जी ने सी बोला है, राजीव कुमार जी ने सी बोला है, अंशिका सिंह जी ने सी बोला है, एक सेकेंड,
बिल्कुल, क्या होगा? बिल्कुल, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है बी, जलवायु परिवर्तन से। गुड इवनिंग राहुल जी। जी सागर सिंह जी, बिल्कुल, किससे है? क्लाइमेट चेंज से है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन से है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को कब? 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। बिल्कुल ठीक है, तो क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जी हिमांशी जी, जी सबाना जी, सी होगा उसका आंसर। बिल्कुल ठीक है। अंशुल कुमार जी, डेली मॉर्निंग में 8 AM पे क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, कब होती हैं? सुबह 8 बजे होती हैं। आज आपकी क्लास नहीं हुई थी, आज आपकी क्लास 5 PM पे है। इस क्लास के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? 5 बजे है। कहाँ है? एसएससी गुरु यूट्यूब पे जो चैनल है, आप जाके सौम्या पांडे एसएससी गुरु सर्च करिएगा, वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 8 बजे क्लासेस होती हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे सौम्या पांडे ऑफिशियल से टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको डेली क्लासेस की PDF प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, हिमांशी जी ने एसिटिक बोला है, महाकाल जी ने ऑक्जेलिक बोला है, सुरेश जी ने डी बोला है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है ऑक्जेलिक अम्ल, दैट मीन्स बी, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नितेश मीना जी, मेरे क्लास की टाइमिंग है डेली मॉर्निंग में 8 AM पे क्लासेस होती हैं एसएससी गुरु पे। कहाँ पे? एसएससी गुरु पे। 3 PM पे क्लासेस होती हैं, अभी आप जहाँ क्लास कर रहे हैं, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे। देन आपकी क्लास होती है 9 PM, 9 PM अन अकेडमी ऐप पे होती है, अन अकेडमी ऐप पे होती है। और ये जो क्लासेस 9 PM वाली होती हैं, ये डेली होती हैं और ये फ्री क्लासेस हैं, हर कोई कर सकता है, ये बिल्कुल फ्री है, तो आप डेली क्लासेस कर सकते हैं। और अन अकेडमी ऐप पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, विकास जी ने ए बोला है, रविशंकर जी ने 13 का डी बोला है, सागर जी ने प्रोहिबिशन बोला है। ओके, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, बिल्कुल जब भी क्वेश्चन में नहीं आए, आप पहले उसे बड़ा सा सर्कल कर लिया करिए और उसे ध्यान में रख के आंसर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, DPSP में पूछा है कौन सा नहीं है, बिल्कुल सूचना का अधिकार, बिल्कुल डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से असत्य हैं पूछा है? सर्किक विवाद भारत और पाक के बीच, तीन बाग कॉरिडोर भारत बांग्लादेश, कच्चा दीबू द्वीप द्वीप विवाद भारत एवं श्रीलंका, एलिफेंटा द्वीप भारत भूटान। कौन सा गलत यानी असत्य पूछा है, कौन सा इसमें से फॉल्स है, बताइए कौन सा फॉल्स है। ओके, गणेश जी ने ए बोला है, बिल्कुल हिमांशी जी, ABC में से एक होगा। ओके, सुपर किंग जी ने डी बोला है, अनुज कुमार जी ने बी बोला है, महाकाल जी ने डी बोला है, प्रियापाल जी ने सी, विकास सी बोल रहे हैं, अंशुल जी ने सी बोला है, बिल्कुल रविशंकर शर्मा जी ने 14 का डी बोला है, सागर जी ने 14 का डी बोला है, सोनू प्रजापति जी ने 11 का डी बोला है। बिल्कुल ठीक है, राजीव कुमार जी ने डी बोला है, महाकाल जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। एलिफेंटा द्वीप असत्य पूछा है ना, फॉल्स कौन सा है, कहाँ है ये? मुंबई महाराष्ट्र। बिल्कुल ठीक है, एलिफेंटा द्वीप फॉल्स होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य युग्मों को चुनना है, मतलब इसमें भी जो फॉल्स हैं उन्हें सेलेक्ट, उस पेयर को चूज करना है। बिल्कुल, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1948, अर्थव्यवस्था का समाजवादी 1956, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ था 1991।
बताइए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक, सोशलिस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बिगनिंग ऑफ द लिबरलाइजेशन, क्या होगा? अनुज शरण जी ने ए बोला है, रविशंकर जी ने 15 का बी बोला है, राजीव कुमार जी ने बी बोला है, सुपर किंग जी ने बी बोला है, जी महाकाल जी ने बी बोला है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इजी भी है, आप लोगों को बिल्कुल ये पता होगा, क्या होगा? बी होगा, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बिल्कुल 1 जनवरी 1949 में हुआ था, तो बिल्कुल बी है, ये रॉन्ग है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, कलर डिफ्रेक्टेड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन, स्टिमुलेटेड रेडिएशन, स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, उद्दीपित विकिरण। सॉरी, क्या होगा? कोई बात नहीं हिमांशी जी, एक दिन क्लास करिए, दिमाग खुल जाएगा। ओके मनीष जी ने 15 का बी बोला है, 16, ओके 16 का डी बोला है रविशंकर जी ने, अनुज जी ने डी बोला है, अरुण राधे जी ने 16 का सी बोला है, महाकाल जी ने बोला है स्टिमुलेटेड। ओके सुपर किंग जी ने बी बोला है, मनीष जी ने सी बोला है, एफएफ शिवंश जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने आंसर दिया है उद्दीपित विकिरण स्टिमुलेटेड रेडिएशन, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? डी होगा। एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन, क्या है एमआरआई? एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? पता होगा आप लोगों को, बताइए। इजी है ये बिल्कुल, ऑप्शन ही ऐसे हैं कि आप गेस भी करेंगे तो सही हो जाएगा। ओके बिल्कुल, रविशंकर जी ने 16 का सी बोला है, शिवांशी सिंह जी ने सी बोला है, हिमांशी जी ने डी बोला है, अनुज कुमार जी ने सी बोला है, राजीव कुमार जी ने सी बोला है, जी सागर जी ने बोला है सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? सी होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सी होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जी हिमांशी जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है, दीप जी ने सी बोला है। ओके कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। बिल्कुल क्या होगा? ओके महाकाल जी ने बोला है खंबात, शिवांश जी ने बी बोला है, सुपर किंग जी ने ए बोला है, दीप जी ने बी बोला है। ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पूछा है, टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन, बिल्कुल क्या होगा? ओके राजीव जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है। ओके अरुण जी ने बी बोला है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है सी खंभात की खाड़ी, क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? सी होगा, खंभात की खाड़ी। ओके नेक्स्ट देखेंगे। व्यापारिक पवने कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से, अधोध्रुवीय निम्न दाब से, इक्वेटोरियल टू लो प्रेशर, फ्रॉम पोलर से हाई प्रेशर, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फ्रॉम सब पोलर लो प्रेशर, कहाँ से? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से चलती है? सोनू जी अब क्लास रेगुलर होंगे। ओके अनिल यादव जी ने बी बोला है, सुपर किंग जी ने ए बोला है, हिमांशी जी ने ए बोला है, 19 का ए बोला है, रविशंकर जी ने, दीप जी ने बी बोला है। क्या होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सी होगा। ओके
अरुण जी, सुबह क्लासेस 8 बजे होती हैं, लेकिन आज जो आपकी 8 बजे वाली क्लास थी वो 5 बजे है, 5 PM पे है। आप वो क्लास कर सकते हैं, एसएससी गुरु पे होगी वो क्लास। आप जाके सर्च कर सकते हैं एसएससी गुरु और वहाँ क्लास कर सकते हैं। ओके, कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। ओके, महाकाल जी ने बोला है महाराष्ट्र। ओके, और कोई? रविशंकर जी ने बोला है महाराष्ट्र। मनीष जी ने सी बोला है गुजरात। पूनम जी ने बोला है बी। सुनील यादव जी ने ए बोला है। राजीव जी ने बी बोला है। सुपर किंग जी ने महाराष्ट्र बोला। हिमांशी जी ने बी बोला है। आलोक गुप्ता जी ने ए बोला है। नितेश मीना जी ने बी बोला है। अरुण जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र की, बिल्कुल ठीक है, बी होगा महाराष्ट्र। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली, नियत प्रत्यय प्रणाली, मैक्सिमम फिड्यूसरी सिस्टम, मिनिमम रिजर्वेशन सिस्टम, प्रोपोर्शनल फिड्यूसरी सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूसरी सिस्टम, कौन सा होगा? ओके, महाकाल जी ने बोला है बी। राजीव कुमार जी ने बी बोला है। सुपर किंग जी ने सी बोला है। रविशंकर शर्मा जी ने बी बोला है। सागर जी ने बी बोला है। शिवांश जी ने बी बोला है। आलोक गुप्ता जी ने सी बोला है। ओके, बिल्कुल ठीक है, नितेश जी ने बी बोला है। बिल्कुल, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या होगा, मिनिमम रिजर्वेशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, जी बिल्कुल ठीक है। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? इन्फ्लेशन पूछा है, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से, सरकार के पास रोकड़ में वृद्धि से, मुद्रापूर्ति में कमी से, मुद्रापूर्ति में वृद्धि से। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स विद द इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या होगा? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इन्फ्लेशन किस कारण से होती है? इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, महाकाल जी डी। ओके, सुपर किंग जी ने डी बोला है। शिवांशी जी ने ए बोला है। सुपर किंग जी ने डी बोला है। हिमांशी जी ए बोल रही हैं। रविशंकर जी ने सी बोला है। नितेश मीना जी ने ए बोला है। क्या होगा? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रापूर्ति में वृद्धि, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शिक्षा, पत्रकारिता। बिल्कुल हिमांशी जी, ट्वेंटी थ्री का बी बोला है राजीव जी ने। शिवांश जी ने बी बोला है। शिवांशी सिंह जी ने बी बोला है। सुपर किंग जी ने, श्रीनिवास जी ने बी बोला है, बिल्कुल ठीक है। राजीव कुमार जी बी बोल रहे हैं। महाकाल जी ने बोला है क्लासिकल म्यूजिक, ओके बिल्कुल ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत। क्या रहा है? शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने आंसर किया है बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया है? मानव संसाधन मंत्रालय, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय विद्या भवन। किसने शुरू किया है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार? ओके, हिमांशी जी, सूरत भट्ट जी ने बी बोला है। आप लोग 24 का आंसर कर रहे हैं। ये
ओके, महाकाल जी ने सी बोला है, सोनम पाठक जी ने डी बोला है, शिवांश जी ने ए बोला है, ज्योत्रिमा दास जी ने बी बोला है, ओके, मनीष जी ने सी बोला है, श्रीनिवास जी ने सी बोला है, आलोक गुप्ता जी ने सी बोला है, राजीव कुमार जी ने सी बोला है, अच्छा महाकाल जी ने तुक्का लगाया है, ओके बिल्कुल ठीक है, हिमांशी जी ने सी बोला है, वासुदेव साहू जी ने सी बोला है, सुपर किंग जी ने सी बोला है, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट सी होगा, बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर किया है सी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था से? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है? मणिपुर में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, कहाँ हुआ है मोहिनी अट्टम? बहुत बार पूछा है, आप लोगों को पता होगा। ओके, ए बोला है शिवांश जी ने, सुपर किंग जी ने, महाकाल जी ने, राजीव जी ने, सुपर किंग जी ने, सूरज भट्ट जी, रेशर जी ने, रविशंकर जी ने 25 का बी बोला है, बिल्कुल, अद्या सिंह जी ने बी बोला है, अरुण जी ने बी बोला है, ओके बिल्कुल ठीक है, आलोक गुप्ता जी ने बी बोला है जी, महाकाल जी बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक है, केरल। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? बिल्कुल केरल का नृत्य है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? गोल्डी मेयर, मार्गरेट थैचर, इंदिरा गांधी, भंडार नायके। जी बाबू की कसम भी, बिल्कुल ठीक है अरुण जी, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है डी, आलोक जी ने दिया है, श्रीनिवास जी ने डी दिया है, महाकाल जी ने डी दिया है, बिल्कुल ठीक है, महाकाल जी बिल्कुल ठीक है, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है जी, हिमांशी जी, भारत की इंदिरा गांधी, बिल्कुल ठीक है, भंडार नायके, श्रीलंका की 1961, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा? डी होगा, प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी देश की पूछा है तो बिल्कुल भंडार नायके। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज? स्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। जी बिल्कुल, भारत की इंदिरा गांधी थी, बिल्कुल ठीक है जी हिमांशी जी, वर्ड की डी होगा। ओके, सागर जी ने मोनोसाइट्स बोला है, नितेश जी ने डी बोला है, कैशर जी ने डी बोला है, संदीप प्रजापति जी ने डी बोला है, नितेश जी ने डी बोला है, अनुज कुमार जी ने डी बोला है, हिमांशी जी ने डी बोला है, आलोक गुप्ता जी ने, एक लोग आ गए, विशाल जी बोल रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा है क्या आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है? अभी तक तो किसी ने नहीं बोला था, विशाल जी, ओके महाकाल जी, ओके बिल्कुल, संदीप प्रजापति जी डी बोल रहे हैं, ओके क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है विशाल जी, आप एक बार अपना थोड़ा क्लैरिटी अपना बढ़ा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए अपने फोन में, बिल्कुल ठीक है। सोनम पाठक जी बोले यस क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके अच्छा अभी तक क्लियर था,
फिर तो मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर क्या हो गया? एक मिनट मैं देख लेती हूँ। रविशंकर जी, ओके, ओके, दिख रहा है, ओके है, ओके फाइन, बिल्कुल अगर दिख रहा है तो आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने आंसर दिया है डी लिम्फोसाइट्स, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। ओके वसुदेव जी, क्लियर है। अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और क्लास स्टार्ट होते से ही फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दिया करिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं वहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं। और डेली क्लासेस होती हैं 8 AM पे, करंट अफेयर्स की क्लासेस किस पे, SSC ग्रुप पे, वो क्लासेस आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्लास 5 बजे है, जो 8 बजे डेली सुबह क्लास होती है, आज वो 5 बजे है, 5 PM पे है। तो इसके बाद आप क्लास अटेंड कर सकते हैं SSC ग्रुप पे। और डेली रात को 9 बजे 9 PM पे फ्री क्लासेस होती हैं, कहाँ पे, अनअकैडमी ऐप पे। तो अनअकैडमी ऐप पे आप फॉलो करने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ जो पहला लिंक सौम्या मैम और अनअकैडमी का दिया है, वहाँ से आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल को, और वहाँ जो क्लासेस होती हैं फ्री क्लासेस आप वो अटेंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? बिल्कुल लिम्फोसाइट्स होगा, डी होगा। ओके जी हिमांशु जी, मुझे पता होता है जब लाइव होता है कि आपने किया है। ओके, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। द विटामिन विच हेल्प्स इन कॉगुलेशन ऑफ ब्लड इज, सबको पता होगा ये, इजी है बिल्कुल। रविशंकर जी, जो मॉर्निंग में क्लासेस होती हैं 8 AM पे, वहाँ पे करंट अफेयर्स होती है, 3 PM वाले में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं, और रात में भी स्टैटिक होता है, GS की कोई किसी भी टॉपिक पे। आज हम शास्त्रीय नृत्य पे बात करेंगे। इसके पहले जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं अनअकैडमी ऐप पे आप जाके देख सकते हैं। ओके बिल्कुल ठीक है। आंसर दिया है, ओके महाकाल जी ने विटामिन के, विनोद चौधरी जी ने बिल्कुल डी बोला है, शिवांशी जी ने डी बोला है, आलोक जी ने डी बोला है, आई थिंक सब ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है। जिन भी लोगों ने, सब लोगों ने आंसर दिया है विटामिन के, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, कोगुलेशन के लिए बिल्कुल विटामिन के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, आकार छोटा हो जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या घट जाती है, क्या होगा? रवि शंकर जी, आप जी जी ज्यादा यूज कर रहे हैं ना। ओके, आप मुझे बता रहे हैं, कोई बात नहीं, होता है। राजीव जी ने सी बोला है, अनुज जी ने डी बोला है, रविशंकर जी ने 29 का सी बोला है, ओके, विनोद जी ने, महाकाल जी ने सी बोला है, विनोद जी ने सी बोला है, सत्यम सिंह जी ने ए बोला है, अनुज जी ने सी बोला है, आलोक गुप्ता जी ने सी बोला है, हिमांशी जी ने डी बोला है, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है, क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक है, सी होगा, संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल ठीक है, सी होगा। राजीव जी बिल्कुल, आलोक जी, विशाल जी, सी होगा जी बिल्कुल। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? प्रवर्धन, न्यूनीकरण, स्पंदन, विरलन, क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन, रिडक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, क्या कहते हैं? ओके रविशंकर जी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इवन मेरे फेस पे स्माइल आ गई। ओके, नहीं दिख रहा, अभी तो दिख रहा था। ओके महाकाल जी ने बोला है कंप्रेशन,
शिवान जी ने बी बोला है, सत्यम सिंह जी ने सी बोला है। रविशंकर जी ने 39 30 का सी बोला है। आलोक गुप्ता जी ने सी बोला है। कुछ नहीं दिख रहा, एक बार मुझे क्लियर बता दो। बस नहीं दिख रहा, दिख रहा दिख रहा, सब दिख रहा। ओके ओके है। यार मुझे तो दिख रहा है, मेरे को फोन में दिख रहा है, तो आपको कैसे नहीं दिख रहा? ओके सब क्लियर है, ठीक है। तो क्लियर है तो आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा? डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए, बिल्कुल संपीड़न कंप्रेशन होगा। क्या होगा? सी होगा। हो सकता है थोड़ा सा आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ओके बिल्कुल, आई थिंक ये लास्ट था। आप देख सकते हैं आंसर्स लास्ट पे, लास्ट वाले पेज पे प्रोवाइड किया गया है। ओके एक बार जितना हमने क्वेश्चंस आज किए हैं जी, मेरा तो लगा हुआ है। भारत का पहला पनडुब्बी जी बिल्कुल मेरा है, क्लियर है मेरे साइड से। एक बार आप लोग अपने साइड से देख लीजिए। ओके भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? कोची में, पंजिम में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में? कहाँ किया गया था? भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? ए कोची में, बी पंजिम में, सी विशाखापट्टनम में, डी मुंबई में। थैंक यू महाकाल जी, बाय बाय। थैंक यू रवि जी। जी ये मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, लास्ट 30 क्वेश्चंस जो थे आपने देख लिया है, इसके बाद आंसर्स दिए हुए हैं। मैंने क्वेश्चन बोला है, आप मेरी आवाज़ को सुनिए और आंसर दीजिए। मैंने बोला कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? ओके हिमांशी जी ने बोला है कोची। जी ये मैं अपने से पूछ रही हूँ राजीव जी, मेरी तरफ से। ओके रविशंकर जी ने कोची बोला है। याकूब जी ओके, आप न्यू हैं तो मैं बता दूं, डेली 3 PM पे क्लासेस होती हैं लेट्स क्रैक पे, देन आपकी क्लासेस 8 AM पे डेली मॉर्निंग में होती हैं करंट अफेयर्स की क्लासेस SSC गुरु पे। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ डेली 9 PM पे फ्री क्लासेस होती हैं। ओके आंसर होगा विशाखापट्टनम। भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ओके आज हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं एक बार फटाफट हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी जितने लोग आ रहे हैं आप लोग फटाफट देख सकते हैं, और पुराने मतलब जो स्टार्टिंग से सेशन में थे वो रिवीजन कर सकते हैं। ओके एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है पूछा है? मानसी जी सब लोग हैं, ओल्ड स्टूडेंट भी हैं, दीपक जी बस नहीं है मुझे लगता है। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारी क्लासेस 5 बजे हैं, कहाँ पे? SSC गुरु पे, वो क्लासेस भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल क्या होगा? वीट ग्रेन। सेकंड, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन, बिल्कुल एनिलिंग ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है पूछा है? तो घाघरा होगा। क्या होगा? घाघरा। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सी है? संतूर। कौन सी है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा है, कौन सा है? संतूर। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किस में? ग्लास में, इन द ग्लास, कांच में, बिल्कुल। नितेश जी मैं यूपी से हूँ,
ओके मुरारी कुमार जी, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस सरल क्या होगा, द्रव की अपेक्षा अधिक अधिक प्रसार करती है, एक्सपेंस मोर देन अ लिक्विड। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, संसद का है, पार्लियामेंट का। बिल्कुल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा। कौन बने हैं, अरुण कुमार मिश्रा। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। बिल्कुल, रण ऑफ कच्छ होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा हिमांशु जी बताना था ना, मिल लेते हम। ओके, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल अनाई मुडी, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद याकूब जी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, सौम्या पांडे ऑफिशियल, वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लास के बाद अभी 5 PM पे जो SSC गुरु पे क्लास है करंट अफेयर्स की, उसकी और ये वाली जो 3 PM पे क्लास हुई है, दोनों की PDF आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। ओके, बिल्कुल ए होगा अनाई मुडी। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे, क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड। बिल्कुल जी आलोक जी, बिल्कुल, हमारा यूपी बहुत बड़ा है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, बिल्कुल सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन से असत्य है पूछा है, तो बिल्कुल कौन सा फॉल्स है, एलिफेंटा द्वीप, ये कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई। बिल्कुल, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य यानी कि जो रॉन्ग पेयर है वो पूछा है। बिल्कुल, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। मेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या किया जाता है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन, उद्दीपित विकिरण। जी राजीव जी, हिमांशु जी, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे MRI, क्या है MRI का फुल फॉर्म, बिल्कुल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बिल्कुल ठीक है, सी होगा। कौन सा क्षेत्र ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। व्यापारिक पवने कहाँ से चलती हैं, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। कोयना परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, महाराष्ट्र की, किसकी जी, बिल्कुल महाराष्ट्र की, सावन के चाचा, गुड इवनिंग। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, मैक्सिमम रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, मुद्रास्फीति किस कारण होती है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। बिल्कुल, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, शास्त्रीय संगीत, क्या रहा है जी, बिल्कुल सावन के चाचा जी, आप बिल्कुल लेट हैं, क्लास एंड होने जा रही है, रिवीजन हो रहा है। ओके, डेली 3 PM पे क्लासेस होती हैं, आप कर सकते हैं, 3 बजे होती हैं, और इसके बाद आप लोगों की क्लासेस कहाँ हैं, अनअकैडमी ऐप पे 9 बजे है और 5 बजे है SSC गुरु पे। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संस्था ने शुरू किया है, बिल्कुल भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है, केरल में। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, बिल्कुल ओके सावन जी, बिल्कुल जी मानसी जी, आदित्य राणा जी ऐप पूछ रहे हैं या आप पूछ रहे हैं, मतलब मैं, ओके मुरारी जी, और क्वेश्चंस ऐड कर दें, नेक्स्ट टाइम से और क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। ओके ओके, बिल्कुल क्या होगा, केरल होगा। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, बिल्कुल केरल का। किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी, बिल्कुल भंडार नायके, श्रीलंका, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पैदा करती है, लिम्फोसाइट्स। रक्त के स्कंदन यानी कोगुलेशन के लिए कौन से विटामिन, बिल्कुल विटामिन के। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। विशाल जी, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, बिल्कुल ऐप डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, जो पहला लिंक दिया है, किस नाम से दिया होगा, फर्स्ट लिंक दिया है सौम्या पांडे प्रोफाइल लिंक, जाइए
अभी जाइए, पहले चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, सौम्या पांडे प्रोफाइल लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे और वहां से आप मुझे अन एकेडमी ऐप पे फॉलो करेंगे और वहां डेली 9 PM पे क्लासेस होती हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, हर कोई कर सकता है। 9 बजे होती हैं ये स्पेशल क्लासेस, हैं अन एकेडमी ऐप पे होती हैं। ओके, ओके आलोक जी, बिल्कुल। क्या होगा, बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की क्या होती है, संख्या बढ़ जाती है। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं, कंप्रेशन संपीड़न कहते हैं। ओके, बिल्कुल। ओके, आपको अगर क्लास अच्छी लगी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और क्लास स्टार्ट होते ही आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करिए सेशन को। बिल्कुल, अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास आपकी 5 PM पे है, तो अभी 5 बजे हम मिलते हैं SSC गुरु पे। कहाँ पे? SSC गुरु पे 5 बजे आपकी क्लास है करंट अफेयर्स की, तो 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।